हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज मैं एक बार फिर से आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैंने संस्कृत विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया है। आज मैं आप लोगों को लकार विषय के बारे में बताऊंगा। धातु लकार रूप, ये इससे एक दो नंबर के जरूर आता है और इससे कभी कभी लकार के बारे में पूछ लेते हैं, धातु रूप के बारे में पूछ लेते हैं, और ये एक संस्कृत विषय का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये संस्कृत विषय का बिल्कुल एक बेसिक टॉपिक है, ये निश्चित तौर पर पूछा जाता है और लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इससे धातु रूप बनाने को भी आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से प्रत्येक धातु के रूप जान लेंगे, प्रत्येक लकार के प्रत्येक वचन के सब कुछ सीख जाएंगे बिल्कुल आसानी से। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और आप लोग मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन भी दें कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो देखते रहिए वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं धातु रूप, लकार व वचन। मैंने आप लोगों को पहले भी इसके पहले वीडियो में बता दिया था कि लकार कितने प्रकार की होती है। लकार 5 प्रकार की होती है, और अगर आपने इसके पहले की मेरी संस्कृत की वीडियो ना देखी है तो वो भी देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाई थी इसके पहले, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे संस्कृत के। तो देखते हैं सबसे पहले लट लकार से। लट लकार क्या होती है? होती है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, इससे रिलेटेड होती है। और संस्कृत अनुवाद में या वर्तमान काल में इन्हीं चीज़ों से सेंटेंस बनाया जाता है, वाक्य बनाया जाता है संस्कृत का। तो देखते हैं सबसे पहले कितने 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और 3 वचन होते हैं, प्रथम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सबसे पहले जो प्रथम पुरुष व एक वचन में आता है वो ती लिख, ये अंतिम शब्द है। इसके पहले जो धातु होगी वो लगा देंगे और अंतिम शब्द जो होगा ये लगा देंगे। सभी जितने भी धातु वचन होंगे सब में यही लगाना है अंतिम शब्द, और इसके पहले सिर्फ आपको धातु जो दी होगी, जैसे कि मान लीजिए पठ दी हो तो इसके पहले क्या पठ लगा देंगे, अगर हंस दी हो तो हंस लगा देंगे, गच्छ दी हो तो गच्छ लगा देंगे। बस केवल इसके पहले में धातु लगा देनी है और अंतिम जो शब्द होगा वो यही होगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या हो गया, ती ती तह अंति सी था आमी आवा आमा, ये हो गए अंतिम शब्द। तीनों में यही अंतिम शब्द है और इसके पहले हमें सिर्फ एक धातु लगा देनी है धातु रूप, और इसके बाद अंतिम शब्द यही होगा। आप लोग नोट कर लीजिए ये अंतिम के शब्द, इसके पहले आप लोग एक एक रिक्त स्थान छोड़ लीजिए और उसमें सिर्फ आप धातु का नाम लिखते जाइए, अपने आप आपको समझ में आता रहेगा। अब ये पट धातु के लट लकार के रूप है, यानी कि वर्तमान काल के क्या हैं, मैंने आपको ट्रिक बता दी ऊपर उसी से। ती ता अंति सी था आम आब आम, आज ऐसे दिया है तो आ इसमें ठा में जुड़ जाएगा तो ठा हो जाएगा, नहीं तो आप लोग लिख दें पठ आमी, ऐसे नहीं होगा, इसी में जुड़ जाएगा। तो इसका क्या पट धातु के रूप क्या हो गया, पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा, ये हो गया पठ धातु के। इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए किसी अन्न के दे दे, गच्छ के दे दे तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छति गच्छति गच्छसि गच्छता गच्छत गच्छामि गच्छावा गच्छामा। बस मतलब किसी भी धातु के रूप दे दिए जाए, आप इस ट्रिक से आसानी से कर सकते हैं। ऐसे आपको सभी के अलग अलग रूप याद करने पड़ेंगे, और इस ट्रिक से आपके सिर्फ ये ट्रिक याद कर लीजिए, इसके पहले वो धातु रूप लिख दीजिए और अपने आप पूरा सभी लकार बनते चले जाएंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है जरा सी भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में ये भी बता दें कि किस धातु के रूप नहीं बन रहे हैं आपसे, या कोई दिक्कत आ रही हो किसी में, तो मैं आपकी पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। इसके बाद अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हों तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, आपको PDF फाइल वहाँ दे दी जाएंगी। अगर नहीं जुड़े हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको PDF फाइल दे दूंगा। इसके बाद अगला कौन सा, अगला है लट लकार। लट लकार क्या होता है, ये होता है भविष्य काल से रिलेटेड। किससे? भविष्य काल से। भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो होता है वो होता है लट लकार, संस्कृत में उसे कहते हैं। चलिए इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं। बस आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें अगर आप लोगों ने जरा सी भी गलती कर दी तो आपका पूरा पूरा नंबर चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसकी क्या ट्रिक है, इष्यति इष्यतः इष्यन्ति इष्यसि इष्यतः इष्यत इस्याम इस्यावा इस्यामा, ये बिल्कुल भी लट लकार की तरह होता है। बस इसमें कि इससे जुड़ जाता है शुरू में, ये जो ई होता है इसमें, ये जैसे पठ जो भी धातु होगी उसमें जो अंतिम शब्द होगा उसमें जुड़ जाएगा ई, यहाँ पे ई की मात्रा चढ़ जाएगी इसमें। तो जैसे गच्छ के दिए हैं तो ई जुड़ जाएगा, गच्छी हो जाएगा।
पट के दिए हों तो पठिष्यति हो जाएगा, ऐसे हो जाता है इसमें। इसकी ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिए, साथ में वीडियो के साथ में आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, लिखते रहिए, आपको तुरंत एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, दोबारा समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिए जो दिक्कत हो, और साथ में ये भी कमेंट करके बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ, तो इससे मुझे भी आसानी रहेगी, आप लोगों को भी आसानी रहेगी। बता देना कि क्या सजेशन हो, वो सजेशन भी आप दे सकते हैं। इसके बाद लट धातु के पठ धातु के रूप देख लेते हैं, क्या लट लकार के क्या हो गए, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। अब इसमें देख लीजिए क्या कर दिया, पठ धातु है तो इष्यति लिखा था तो पठी हो गया, सब में देखिए पठी जोड़ दिया और साथ में ये। और अगर इसे आप दूसरी ट्रिक से देख लें तो ये जो अंतिम, ये इतना हटा दीजिए, अंतिम का देखते रहिए क्या है, ती ता अंति सी था आमी आवा आमा, ये है इसमें बस इससे जोड़ दिया गया। तो आप लट लकार से भी लट लकार के रूप बना सकते हैं कि इससे केवल जोड़ देना है, बाकी सब लट लकार वाला ही रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं लंग लकार पे। लंग लकार क्या होता है, लंग लकार होता है भूतकाल, यानी कि कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। तो ये संस्कृत में से लंग लकार कहते हैं, इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो संस्कृत में है ये यही ट्रिक है, यही है लकार, सबसे ज़्यादा लंग लकार से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए, किसी भी क्लास में देख लीजिए। लंग लकार जैसे दे दिया गया आपको कि मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का बताइए, तो आपको क्या याद रखना है, केवल अंतिम, बाकी सब तो ये उपसर्ग। आप मान लीजिए कि लंग लकार में आ उपसर्ग लगाया जाता है, बाकी अंतिम शब्द आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, याद करते रहिए। ता ताम ना, इसमें विसर्ग है, फिर तम ता मा आब आम, बस इतना सा है, शुरू में आ रहेगा थे ता ताम ना विसर्ग तम ता मा आब आम। इसकी मैं आप लोगों को आगे उदाहरण भी बता दे रहा हूँ, बस आपको ये जो बीच में जगह छूटी यहाँ पे धातु का नाम लिख देना, धातु रूप लिख देना है, और शुरू का समय सेम रहेगा आ, अंतिम शब्द आप लोग याद कर लीजिए, सिर्फ 2 मिनट में याद हो जाएगा आप लोगों को, और कभी आप भूलेंगे नहीं। इस वीडियो को देखते रहिए बस। इसमें अब क्या किया है देख लीजिए, इसमें क्या है, पट धातु के बता रहे हैं लंग लकार के, तो इसमें क्या कर दिया, अपट अपटताम अपटन अपट अपटतम अपटत अपठाम अपठाव अपठाम, ये है ये, सॉरी यहाँ पे अपठाम नहीं होगा, ये यहाँ अपटम होगा, क्या ये आ की मात्रा नहीं होगी यहाँ पे, अपटम ये होगा यहाँ पर, और बाकी सब सही है। तो क्या करना है आपको, अब जैसे इसमें पट की जगह हंस दे दिया तो अहसत अहस्ताम अहसन अहस अहस्तम अहसत असम, बस इसी तरह से। इसके बाद क्या है, इसके बाद मान लीजिए गच्छ के दे दिए, किसी के मतलब दे दिए जाए, सिर्फ आपको बीच में यहाँ पे जो ये बीच में पठ दिया है ये हटा के यहाँ पे गच्छ लिख देना है, बस इतना करना है आप लोगों को, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी, शुरू में आ है लास्ट में माँ है, बस यही आप लोग करते रहिए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, और कमेंट करके ये भी बताते रहिए आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे कि मुझे आगे की वीडियो के लिए थोड़ा सजेशन मिलता रहेगा। इसके बाद अगला कौन सा, अगला है लोट लकार। लोट लकार क्या होता है, लोट लकार में तू ताम अंतु ये लास्ट में लगा दिया जाता है, शुरू में क्या धातु लगा दी जाती है, अंत के शब्द मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये सब हैं, ये आप लोग याद कर लीजिए, इन्हें नोट करते रहिए, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लकार के लिए। तो देखते हैं क्या है, प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या, तू ताम अंतु अ तम ता आनी आव आम। अब इसमें जैसे ये है आनी, तो आनी का आइए जैसे हम गच्छ के करेंगे तो छा में छा हो जाएगा, छा गच्छानी, अलग से नहीं लिखना ये हमें। तो अब इसका देख लेते हैं किसी भी रूप के, ये बस अंतिम शब्द ये रहेगा, बाकी शुरू में धातु रूप लगा देंगे, तो हम पठ धातु के देख लें लोट लकार के, तो क्या हो गया, पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठाम, ये कर देना है बस। ये देख लीजिए आप लोट लकार में क्या किया है, तू ताम तु आ तम ता आन आव आम, आ ये जैसे दिया है तो ये भी उसी में जुड़ जाएगा, अलग से आ नहीं लिखना है। तो इसमें क्या है, पठतु पठताम पठन तु पठ पठतम पठत पठानी पठा पठाम, ये आ लगा है तो पठ हो गया यहाँ पे केवल, ये हो गया लोट लकार के रूप। इसी तरह से अंतिम अब चलते हैं विधलिंग। विधलिंग में क्या करना है, विधलिंग में ए सब में लग जाएगा, ये आप लोग याद रखिए।
अय को हम लोग क्या करेंगे, अय ये मात्रा के रूप में सब में जुड़ जाएगा, बाकी अंतिम शब्द ये रहा और शुरू में धातु रूप लिख देंगे बस। इसमें आप लोग अय को आप विशेष ध्यान रखिए, अय सब में जुड़ेगा और ये मात्रा में लग जाएगा सब में। ये विधलिंग होता है, ये होता है आज्ञावाचक के रूप में। तो इसमें क्या किया है, इसमें क्या करना है, विधलिंग में देख लें क्या, एत एताम एयू, एतम एत, एम एव एम, ये कर देना है बस। और ये जो ए आगे वाला है ये मात्रा में लग जाए, जैसे गच्छ ले लें या हंस ले लें, कुछ भी ले लें, तो हंस ले लिया तो क्या हो गया, हसेत हसेताम हसेयू, ये मात्रा लग जाएगी। गच्छ ले लिया तो गच्छेत गच्छेताम गच्छेयू, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, विधलिंग के भी कई बार पूछे जाते हैं। और मेन चीज़ ये जितने भी लगा रहे हैं ये वाक्य संस्कृत के वाक्य प्रयोग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि यही जो क्रिया में, क्रिया क्या होती है, क्रिया जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, यानी कि जैसे गच्छ हो गई, पट हो गई, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। तो क्रिया जब भी हम लिखेंगे तो उसमें लकार का ही प्रयोग किया जाता है लिखने के लिए। जैसे हमें पता लग गया कि ये द्विवचन का है, प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो हम क्या लिखेंगे, गच्छताम लिखेंगे, पठताम लिखेंगे ऐसे। तो पट धातु के रूप में मैंने सब में लिख रखे हैं, पट धातु के आप लोग याद कर लीजिए, इसी तरह से किसी दूसरे के बना लीजिए। वैसे सबसे ज़्यादा पट और गच्छ के नींदों के पूछे जाते हैं, तो पट में देख लें क्या हो गया, पठेत पठेताम पठेयू, पठे पठेतम पठेत, पठेम पठेव पठेम, ये हो गए पठ धातु के। इसी तरीके से गच्छ के हो जाएंगे, हस के मतलब किसी के भी हो जाएंगे, बस इसी तरह से ये अंतिम विधलिंग लकार के भी हो गए। और इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं याद करना, इससे आप लोगों के पांचों प्रकार के लकार बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की दिक्कत नहीं है। मैं संस्कृत का पूरा आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, और भी जो बचा उसकी वीडियो मैं जल्द ही आप लोगों को दे दूंगा। और इस वीडियो को, इसमें मैंने आपके पांचों लकार कंप्लीट करा दिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से मैं नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और हमसे जुड़े रहिए। ऐसे आपको यहाँ तीन वीडियो के लिंक मिल रहे होंगे, यहाँ आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं जो कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ यहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में उसके बगल में एक बेल आइकन लगा होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे प्रत्येक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोस्तों।